हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पहले डिस्कशन करेंगे अल्केन के बारे में, ठीक है। अल्केन का प्रिपेरेशन प्रॉपर्टीज, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज, सब के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले डिस्कशन करने से पहले ये जो अल्किन होता है वो हमारा किस काम का आता है उसको थोड़ा देख लेते हैं। केमिस्ट्री लिंक टू द एनवायरनमेंट और केमिस्ट्री इन रियल लाइफ, ठीक है। तो अल्किन क्या हो? मतलब अल्किन का जो यूजेस है वो कहाँ हमें मिलता है, ठीक है। जो हमारा जो फ्रेग्रेंस है, जो हमारा स्वीट स्मेल, स्वीट एरोमा जिसको बोलते हैं, मतलब स्मेल स्वीट एरोमा, जो लेमन लेवेंडर कुछ फ्रूट्स रोजेस, ठीक है, इसका जो हमारा स्वीट फ्रेग्रेंस होता है वो जनरली अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो वोलेटाइल कंपाउंड से आता है, ठीक है। वोलेटाइल कंपाउंड प्रेजेंट रहता है तो वो वोलेटाइल कंपाउंड क्या होता है, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें स्वीट स्मेल मिलता है, जैसे लेमन में हमारा लिमोनिन, ठीक है। देखो भाई साहब, ये लिमोनिन लेमन में प्रेजेंट रहता है, इसकी वजह से हमारा लेमन से जो अच्छा स्मेल आता है वो इसकी वजह से आता है, ठीक है। हमारा जीरानियोल जो हमारे रूज में, रूज जो स्मेल देता है, स्वीट स्मेल या स्वीट एरोमा बोलते हैं, ठीक है, वो क्यों आता है, वो हमारा जीरानियल के प्रेजेंस पे। देखो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। देन माइरिसिन ये बे लीव्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। साइट्रोसिनल लेमन ग्रास में प्रेजेंट रहता है। तो इन हाइड्रोकार्बन, इन अल्किन की वजह से हमारा स्वीट स्मेल मिलता है कुछ फ्रूट्स जो नेचुरल ऑकरिंग फ्रूट्स हमारा रोजेस हो गया, ठीक है। तो चलिए फिर, यही था हमारा केमिस्ट्री लिंक टू द एनवायरनमेंट, जो अल्किन का स्वीट फ्रेग्रेंस क्यों होता है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम हमारा अल्किन की तरफ। पहले देखते हैं ज्योमेट्री ऑफ अल्किन, ठीक है। अल्किन का ज्योमेट्री कैसा है? पहले देखते हैं बॉन्डिंग इन इथेन, ठीक है। एक अल्किन का जो सबसे छोटा है, मतलब सबसे फर्स्ट कंपाउंड अल्किन का, अल्किन फैमिली का फर्स्ट कंपाउंड मेंबर को उठाते हैं इथेन, ठीक है। इथेन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। हाँ जी सर, इथेन का जनरल फॉर्मूला तो यही है। तो बोथ द कार्बन इन द इथेन आर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो बोथ द कार्बन इन इथेन हमारा क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हाँ जी सर बिल्कुल। There is one sigma and one pi bond. One sigma double bond means क्या है? Double bond में एक sigma, one sigma and one pi bond, ठीक है। अगर कैसे बनता है कोई doubt है तो मैंने मेरा जो पहला कुछ lecture है organic chemistry का introduction वहां जाके देख सकते हो, ठीक है। तो double bond में एक sigma एक pi bond तो हो गया, ठीक है। The bond order of ethene is क्या, कितना होगा? Two bond में, मतलब इसका bond order 2 है, ठीक है। ये है ethene भाई साहब हमारा, ठीक है। देखो ये सिग्मा बॉन्ड, देन पी ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग में हमारा पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ईच कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। आगे चलते हैं, देख लो बॉन्डिंग, ठीक है। और इसका बॉन्ड एंगल कितना है? ये वाला बॉन्ड एंगल जनरली 122 डिग्री सेल्सियस है, ये वाला बॉन्ड एंगल, सॉरी 122 डिग्री है, ये वाला बॉन्ड एंगल हमारा 116 है, ठीक है। तो अप्रोक्स 120 के आसपास दोनों ही है। उसी में और भी देखते हैं क्या है। द सिग्मा कंपोनेंट अराइजेस फ्रॉम ओवरलैप ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अलोंग द लाइन कनेक्टिंग टू कार्बन एंड द पाई बॉन्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग। हमें पता है जो हेड ऑन ओवरलैपिंग से हमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है और साइड वाइज ओवरलैपिंग से हमें पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो रीजन ऑफ हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर प्रेजेंट अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। देखो ऐसा होता है हमारा। देन स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन्स आर मोर स्टेबल अल्किन, ठीक है। रीजन क्या है? मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन में मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अगर मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इंक्रीज होगा। अगर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा होगा तो हमारा अल्किन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, जितना ज्यादा उसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उतना ज्यादा स्टेबल हमारा अल्किन बनेगा, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, एक मिनट, ठीक
सी सी देखो यहाँ पर अगर लगा देंगे यहाँ पर सी एच थ्री ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 + 3 + 3 + 3 टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन है। तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इसमें ज्यादा होगा ठीक है। देन सेकंड वाला में देखो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा दूंगा, इसको हटा के हाइड्रोजन लगा दूंगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ठीक है। 9 हो जाएगा मतलब इसका नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर लेस होगा ठीक है। तो कहने का मतलब ये नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इंक्रीज है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन इंक्रीज है। तो आप सीधी साधी बात याद रख सकते हो, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन आर मोर स्टेबल ड्यू टू मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ठीक है। देख लो इसको एक बार, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन आर मोर स्टेबल। चलिए आगे चलते हैं, आगे जाने से पहले देख लेते हैं हमारा सिस ट्रांस आइसोमर फॉर द नाइट पिजन केमिस्ट्री लिंक टू द हेयर ठीक है। अल्किन का और कुछ देख लेते हैं जो हमारा रियल लाइफ के लिए इसका एप्लीकेबल है ठीक है। तो पहले देख ले सिस ट्रांस नाइट विजन के लिए ये कैसे हेल्प करता है ठीक है। हमें जो चीजें लाइट में दिखाई देता है सही है, लेकिन अंधेरे में हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो लाइट में ऐसा क्या होता है ठीक है जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है। तो आईज में कुछ ना कुछ होता है होगा ना, तो केमिस्ट्री बिहाइंड द नाइट विजन उसको समझते हैं ठीक है। देखो जब हमारा लाइट जब हमारा आईज का रोडोस्पियर में पड़ता है ठीक है, रोडोस्पियर जिसको बोलते हैं ठीक है, बायोलॉजी वालों को यह पता है अच्छे से। रोडोस्पियर में जब जब लाइट हमारा रोडोस्पियर के कॉन्टेक्ट में आता है तो क्या होता है, उनमें जो प्रेजेंट है एक सिस 11 रेटिनल उसमें प्रेजेंट रहता है ठीक है। सिस 11 रेटिनल में क्या होता है, 5 डबल बॉन्ड रहता है, उनमें से एक डबल बॉन्ड सिस पोजीशन में रहता है ठीक है। सिस 11 रेटिनल उसको बोलते हैं। जब लाइट रोडोस्पिन के कॉन्टेक्ट में आता है वो क्या होता है, जो सिस 11 रेटिनल वो कन्वर्ट हो जाता है ट्रांस 11 रेटिनल में, जिसकी वजह से जब ये ट्रांस 11 रेटिनल में कन्वर्ट हो गया ठीक है, वो फिट नहीं बैठता, जो रोडोस्पिन में प्रोटीन में ये था वो फिट नहीं बैठता, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होता है जिसको हमारा ब्रेन कन्वर्ट कर देता है एज ए इमेज, एज एन इमेज। समझ में आ गया ठीक है। तो अगर हमारा रोडोस्पियर रोडोस्पियर का कमी आ जाएगा, और रोडोस्पिन भी बोल सकते हैं, वो जब कमी हो जाएगा उसका जो डेफिशियंसी हो जाएगा तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस आ जाएगा। तो जो सिस 11 रेटिनल रोडोस्पियर में प्रेजेंट रहता है उसका मेन सोर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन होता है, विटामिन ए। तो जितना ज्यादा विटामिन ए का डेफिशियंसी आ जाएगा उतना हमें अच्छे से दिखाई नहीं देता। कुछ लोगों को डिम लाइट में नहीं दिखाई देता, कुछ लोगों को रातों में ही नहीं दिखाई देता, उनको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं ठीक है। उनका ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या बोलते हैं, विटामिन ए का, विटामिन ए जितना हो सके उतना मतलब खाते जाओ ठीक है। तो विटामिन ए अगर डेफिशियंस हो जाएगा, डेफिशियंसी हो जाएगा विटामिन ए का, तो हमारा क्या हो जाएगा, सिस 11 रेटिनल का भी डेफिशियंसी आ जाएगा। विटामिन ए हमारा लीवर में सिस 11 रेटिनल प्रोड्यूस करता है जो हमें दिखने में हेल्पफुल होता है ठीक है। तो यही होता है हमारा केमिस्ट्री बिहाइंड द नाइट विजन। तो अच्छे से देख लो, ये हमारा होता है, ये वाला कंपाउंड हमारा होता है सिस 11 रेटिनल ठीक है। ये लाइट के प्रेजेंस में देखो ये था सिस 11 रेटिनल, ये लाइट के प्रेजेंस में हमारा ट्रांस डबल बॉन्ड में ट्रांस 11 रेटिनल में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है। स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, ये प्रोटीन में फीड नहीं करता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होता है और वो हमारा ब्रेन कन्वर्ट कर देता है एज एन इमेज। यही होता है केमिस्ट्री बिहाइंड द नाइट विजन, वो हमें कैसे दिखाई देता है, हमारा आईज में ऐसा क्या होता है लाइट के प्रेजेंस में जिसकी वजह से हमें हम चीजों को दिख पाते हैं ठीक है।